दोस्तों नमस्कार, YouTube के LS Technology Education चैनल पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी वीडियो अपलोड की है रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं AutoCAD के ऊपर। AutoCAD 3D में आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन प्लेन की। सेक्शन प्लेन देखिए दोस्तों होता क्या, बेसिकली सेक्शन प्लेन का यूज होता किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम अंदर इनसाइड से उसको बिल्कुल प्लेन साइज में, या तीन चार स्टाइल होते हैं जो उनके फॉर्मूले है, कह सकते हैं स्टाइल फार्मूला, जैसे लेफ्ट राइट अप डाउन और भी है कई है, वो आप उसको कट करके देख सकते हैं सेक्शन प्लेन के थ्रू। तो वो कैसे यूज करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरे पास देखिए दो 3D ऑब्जेक्ट है जो मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक लॉक है, एक यहाँ पे एक ग्रिप, ये जो एंकल इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इनको कट करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे कट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए सेक्शन प्लेन में, सबसे पहले हम सेक्शन प्लेन यहाँ से लेते हैं। सेक्शन प्लेन की तीन बेसिक जो ऑप्शन है, एक तो होती है ड्रॉ सेक्शन, ठीक है, एक होता है ऑर्थोग्राफिक एंड थर्ड होता है टाइप। अब ऑर्थोग्राफिक में आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आप इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बॉटम जो 6 की 6 साइड है वहां से आप इसको बिल्कुल हाफ में देख सकते हैं कि कैसा लगेगा ये सेक्शन लगाने के बाद, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑर्थोग्राफिक कराऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत में इजी है, उसके बाद ड्रॉ सेक्शन करेंगे फिर टाइप करेंगे, ठीक। ऑर्थोग्राफिक के ऊपर जाइए या फिर आप ओ टाइप कीजिए सीधा, तो यहाँ पे आपके जो फ्रंट बैक टॉप, अभी मैं आपको फ्रंट कराऊंगा दोस्तों क्योंकि फ्रंट देखिए बिल्कुल इजी। और एक बात आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, अगर आपका ये सेक्शन प्लान अच्छी तरह काम ना करे तो ये आपका जो स्नैप ग्रिड मोड है, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है सॉरी, तो इसको आप ऑफ ऑफ रखें, ठीक है। आप यहाँ पे फ्रंट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने जैसे प्रिंट किया देखिए इन्होंने जो हमारा लॉक था और जो एक ऑब्जेक्ट था हमारा उसको बिल्कुल इन्होंने हाफ कर दिया, शो कर रहा है। अब दोस्तों ये किस लिए करते हैं, हमें किसी भी ड्राइंग को 3D से 2D में शो करना हो तो एक तो उसके लिए करते हैं, या फिर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल फंक्शन देखना है कि इसके अंदर कैसे काम, जो ज्यादातर मैकेनिकल जो ड्राइंग होती है उनके अंदर ज्यादा यूज किया जाता है, या फिर आप होम डिजाइनिंग कर रहे तो अंदर से उसका व्यू देखने के लिए वो किस टाइप का, अगर अंदर का जो हमने डेकोरेशन वगैरह किया है उस टाइप में भी हम इसको सेक्शन प्लान को लगाते हैं, ठीक है। मेन बेसिकली ये जो है मैकेनिकल में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप ये ऐसे देख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे हमारी जो विंडो है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से एक विंडोज अपीयर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप काफी सारी चीजें, जैसे आप इसको 2D और 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके ड्राइंग को जो है। इसको सबसे कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं 2D में कन्वर्ट, देखिए दोस्तों कई बार ये ऐसे होता है, आप इसको चिंता ना करें, आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको, तो 2D सेक्शन और 3D सेक्शन, ठीक है। अगर आप 2D में चाहते हैं तो आप क्रिएट करें 2D, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ रखता हूँ, अब कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कीजिए, फिर से एंटर प्रेस कीजिए, कोई वैल्यू डेल नहीं, फिर से आप इसको जो है सीधा थोड़ा सा रखिए और फिर से एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए आपकी जो 2D ड्राइंग है, जो ये सेक्शन हमारा था, इसकी 2D ड्राइंग आपको शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं इसी की 3D ड्राइंग आप लेना चाहें दोस्तों, तो आप 3D भी यहीं से कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ पे 3D सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे काफी सारी और ऑप्शन है, उनके बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्रिएट आप कीजिए, यहाँ पे रखिए आप, ये 3D सेक्शन होगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए दोस्तों इन्होंने सेम का सेम दिखा दिया, लेकिन थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है क्योंकि ये 3D में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। हमारा जो सेक्शन है ये हो गया 2D। अगर आप 2D को पैटर्न देना चाहें कोई, वो देखते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर कमांड लगाएं, सेलेक्ट करें, और जैसे ही सेलेक्ट करें एक्सप्लोर कमांड लगाएंगे आप इसके ऊपर हैच कमांड जो है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं आपकी हैच कमांड देखिए यहाँ पे एक्टिव हो गई, अब यहाँ से आप जो भी इनके अंदर पैटर्न है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यह हो गया हमारा जो 2D और 3D सेक्शन प्लेन आप कट कर सकते हैं। हमने मैंने सिर्फ आपको राइट करके दिखाया, आप लेफ्ट में आप डाउन टॉप बॉटम सब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ, और जो हमारे एक्स्ट्रा ये है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब दोस्तों हम बात करेंगे
उसके बाद चलिए बात करते हैं सेक्शन प्लेन में, फिर से आते हैं सेक्शन प्लेन पे जाते हैं। यहाँ से हम ड्रॉ सेक्शन करेंगे। जैसे हम ड्रॉ सेक्शन करेंगे, अब ये ध्यान रखें आपका ये जो स्नैप ग्रिड मोड है, स्नैप मोड है, ये आप ऑफ रखें, ठीक है। ड्रॉ सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से क्या कहेगा, ये कहता है कि ड्रॉ कीजिए आप जो भी आप ड्रॉइंग, आप यहाँ से मैं यहाँ लेता हूँ, देखिए मैं उसको इधर नहीं लेता, यहाँ से मैं ड्रॉइंग यहाँ तक लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जो ये है ड्रॉइंग यहाँ तक लेना चाहता हूँ। एंड पॉइंट दीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। ये देखिए जैसे मैंने जो ड्रॉ सेक्शन था, ड्रॉ सेक्शन के थ्रू भी आप जो अपनी ड्रॉइंग है वो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। जहां तक आप ड्रॉइंग करेंगे, जहां तक जिस रैंडमली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वो तो रैंडमली आप सेलेक्ट करके इसको देख सकते हैं, आप इसमें जॉब पॉइंट भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हमें एड जॉब कमांड जो है यूज करना है, एड जॉब यहाँ से ये कैसे लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं एड जॉब यहाँ से लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं लगाता हूँ सेंटर पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज आता है सेलेक्ट ए पॉइंट ऑन द सेक्शन लाइन टू क्रिएट ए जॉब। क्यों आ रहा है ये मैसेज? ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जो प्रॉपर पॉइंट है वो नहीं दे पा रहा, और वो क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्नैप जो ग्रिड है, ऑब्जेक्ट स्नैप है जो, वो ऑफ है, इसको ऑन करना पड़ेगा। देखिए पहले हमने इसको ऑफ किया था, अब इसको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज हमें जो है बिल्कुल पॉइंट देगा हमें। यहाँ से हम देखिए जॉब पॉइंट देना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट देखिए दोस्तों यहाँ से दे दिया, आप यहाँ पे देना चाहे पॉइंट तो आप यहाँ से भी कहीं से भी आप जो है पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो फिर से दिखाता हूँ एड जॉब, यहाँ पे इसको ऑन कीजिए, पॉइंट दीजिए, ये देखिए। अगर आप इनको जो है यहाँ वहाँ आप इसको लेके आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप इनको इधर उधर भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप करेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से दिखाई देगा, तो इस तरीके से आप जो ऐड जो भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे चार सेक्शन और आते हैं। अब जैसे ही सेक्शन प्लेन पे जाएंगे, अब सेक्शन कोई भी डाले आप, टाइप यहाँ पे टाइप पे क्रिएट करिए, यहाँ पे देखिए जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे चार आएंगे, प्लेन, स्लाइस, बाउंड्री और वॉल्यूम आप डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करके यहाँ से भी प्लेन, अभी प्लेन यहाँ से प्लेन है, ऑलरेडी हम प्लेन तो ले चुके हैं, स्लाइस है आप स्लाइस कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से आप स्लाइस कर सकते हैं इस तरीके से अपने जो ड्राइंग है, ठीक है। उसको ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और काफी जो चीजें हैं आप मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से भी आप इनको शो ऑफ कर सकते हैं, जो इनका एंगल है वो चेंज कर सकते हैं, और चलिए स्लाइस के बाद आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, इसकी जो बाउंड्री है वो शो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आप इसको जो वॉल्यूम जो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, देखिए उसका वॉल्यूम है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप इसको रोटेट करना चाहें तो ये रोटेट 90 डिग्री ही करेगा, ठीक है। देखिए आप रोटेट कर सकते हैं, आप रोटेट करके इसको शो ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा कि सेक्शन प्लेन का यूज आखिर हम क्या क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको क्रिएट कट कर देते हैं एक बार, जो हमारा सेक्शन प्लेन है, और वापिस हमारी जो ड्रॉइंग है उसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों।